हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर, क्योंकि आज जो है विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। इससे हम सभी को पता है कि अब जो है हार्ट अटैक ये बहुत कॉमन सा नाम हो चुका है और इससे कई लोगों की मौत हो रही है, मौतें हो रही है जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल है, और इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सचिन देवारे इनसे। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, क्या बताओगे? नमस्ते श्रुतिजा। नमस्ते, मैं डॉक्टर सचिन देवारे, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मुग्धा ईईसीबी हार्ट केयर सेंटर। आज मैं सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में शुभकामना देना चाहूँगा। वैसे मैं आप बीसीएन चैनल का भी एक शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने आज मुझे एक स्पेशल गेस्ट करके मुझे बुलाया गया है। आज हम जो आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है, एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज हम जो भी देखते हैं, आज भी कार्डियक प्रॉब्लम के कारण जो एक मॉर्टेलिटी बोलते, जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो स्पेशली कार्डियक प्रॉब्लम के कारण ही हो रही है। एक्सीडेंट भी एक रीज़न है, सेकेंड एक्सीडेंट भी एक सेकेंड स्टेप पे ही आ रहा है, फर्स्ट कॉज ऑफ डेथ स्टिल वो परसिस्टेंट कार्डियक डिसीज ही है। तो ये कार्डियक डिजीज के कारण जो मैक्सिमम डेथ हो रही है उसको प्रिवेंट करने के हिसाब से एक 2000 के आसपास से जो WHO ने एक प्लान किया कि हम एक वर्ल्ड हार्ट डे मनाएंगे, जिसके कारण हम लोग कम से कम ये हार्ट डिजीज को प्रिवेंट किए करने के लिए हमको क्या एक उपाय योजना कर सकते हैं, जिसके कारण हम वो जो एक कॉज है डेथ का वो हम प्रिवेंट कर सके, इसलिए वो एक 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। बिल्कुल, इस पर प्रकाश डाले कि 29 सितंबर को ही ये वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली उन्होंने जो प्लान किया तो 97 to 99 के बीच में ही वर्ल्ड हार्ट डे मनाने का उन्होंने पूरा WHO के साथ में मीटिंग हुआ और फाइनली वो 29 सितंबर को एक बोल सकते हैं उसमें कमिटमेंट हुआ है, तो उस कारण 29 डे को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जो बदलती हमारी दिनचर्या है, जो लाइफस्टाइल है, उसके वजह से हम देख रहे हैं कि मोटापा और हार्ट पर जो है ज्यादा प्रेशर आ रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, और कई लोगों को हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया है, एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है या बाईपास करनी, ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इसके पीछे क्या वजह है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या बताओगे? बिल्कुल, जैसे हम आज बात कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट के हार्ट डे के बाद, जैसे 2000 में हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाए ना स्टार्ट कर दे, उस वक्त भी एक अगर बिलो 50 किसी को एज में हार्ट अटैक आता है तो हम शॉक हो जाते थे कि इसको 50 के नीचे हार्ट अटैक कैसे क्या आ सकता है। बट स्टिल आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आज बच्चों में भी और एट द एज ऑफ 30-35 के एज में भी काफ़ी पेशेंट हमने एक्सपायर होते हुए देखे हैं। हमने भी काफ़ी पेशेंट, कभी सेलिब्रिटीज भी गवाए हैं जिस कारण जिनको सडन हार्ट अटैक हो गया, सडन कार्डियक डेथ हुए हैं। तो डेफिनेटली इसके पीछे के रीज़न वही, हमारा लाइफस्टाइल जो बिगड़ गया है, जो हमारा रहन सहन खान पान जो बिगड़ गया है, वही एक बेसिक रीज़न है। साथ साथ में स्ट्रेस इंड्यूस भी काफ़ी कंप्लेंट्स है जो अपने को हार्ट को और एग्रेसिवली अपने तरफ खींचा जाता है। वो बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि ईईसीबी थेरेपी के द्वारा आप जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ये ट्रीटमेंट किस तरह की होती है, क्या बताओगे हमारे दर्शकों को? ठीक है ना, हम ईईसीबी के पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेंगे कि एक्चुअली ईईसीबी हम कोई से कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। बट जब जैसे भी एक कोई भी पेशेंट को आज एट द एज ऑफ 30 हो या 50 हो या 60 हो, जब भी हार्ट अटैक आता है या इवन एंजाइनल सिम्टम्स आते और रहते हैं और हम एंजियोग्राफी करने जाते हैं और हमको कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं, तो उस वक्त हमको हॉस्पिटल में जब हम एडमिट होते हैं तो हमको एंजियोप्लास्टी या बाईपास बताया जाता है। डेफिनेटली जब जान बचाने की जरूरत पड़ती है, जब इमरजेंसी होती है, जब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है, तो हमने डेफिनेटली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी पे ही फोकस करना चाहिए। बट अगर पेशेंट स्टेबल है, जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर्पज से हॉस्पिटल में जा रहा है, कुछ छोटे मोटे को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है या छाती में दर्द होता है बीच बीच में, ऐसे कंडीशन में वो पेशेंट स्टेबल है क्लिनिकली और एंजियोग्राफी करते हैं, तो उस वक्त उनको अगर कुछ ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ईईसीबी से आइडियली करना चाहिए। ऐसा अभी आज जो भी हमारे सिनेरियो उस हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे। और जैसे
एंजियोप्लास्टी में हम एक स्टेन डालते हैं जो ब्लॉक होता है उसको ओपन करके वहाँ का फ्लो बढ़ाते हैं बेसिकली। इवन बाईपास ग्राफ्ट में भी हम लोग जब पैर की हाथ की आर्टरी वेन जो भी निकाल के हम एओर्टा से कनेक्ट करके नीचे डिस्टली हम लोग उसको फ्लो प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें भी हम लोग जो डिस्टल वेसल होता है हार्ट का नीचे का पोर्शन उसको हम लोग ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही बेसिकली ब्लड फ्लो बढ़ाना है। तो ब्लड फ्लो जैसे हम लोग जो भी इश्मिक एरिया हमारा वहाँ पे अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हमारा हार्ट के मसल्स रीगेन हो जाते हैं, वो रिजनरेट हो जाते हैं और अपना काम अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर देता है। तो सेम ट्रीटमेंट है एईसीपी में भी है, बस इतना है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास में हम एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करते हैं। डेफिनेटली अगर कोई भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट रहेंगी तो जान जाने का खतरा बना ही रहता है। जैसा ईसीपी ऐसा कुछ भी नहीं है। ईसीपी हम नेचुरली पेशेंट को एक ईसीपी मशीन होता है जिसमें हमको 50 मिनट के लिए उसको लिटाया जाता है, लोअर लिम्स में यानी पैरों में उनको कफ्स बांधे जाते हैं और पैरों के द्वारा डायस्टोल फेज में ईसीजी के साथ सिंक्रोनाइज होकर डायस्टोल फेज में हम उसको ब्लड टूवर्ड्स हार्ट पुश करते हैं। जब हम टूवर्ड्स हार्ट जब पुश होते हैं तो डायस्टोल फेज में कोरोनरी फिलिंग होता है और सामने अगर कुछ ब्लॉकेजेस के ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके ऊपर में जो भी छोटे मोटे कैपिलरीज होते हैं जो हमारे बाकी सेलुलर लेवल पे जो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट के मसल्स को, वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे हम बाईपास में अलग से ग्राफ्ट लगा रहे हैं बस वैसे ही हम नेचुरली अंदर के अंदर उनके कोलेटरल्स डेवलप करा सकते हैं। तो एकदम सिंपल इजी, कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, कोई भी डेथ होने के चांसेस नहीं है, सब सिंपल वैसे ट्रीटमेंट होता है और इक्विवेलेंट टू बाईपास सर्जरी हम उसको बोल सकते हैं, इसलिए हम उसको नेचुरल बाईपास भी बोलते हैं। आपकी ओर से हर बार हम देखते हैं कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए कैंप का भी आयोजन किया जाता है, इस बार भी वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर कुछ ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हाँ, आज मुग्धा एसीपी हार्ट केयर सेंटर में हमने स्पेशली वर्ल्ड हार्ट डे के दिन के कारण आज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है जो हम लोग रूटीन जो चेकअप रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस ये एक डिस्काउंटेड रेट में हम करने वाले हैं और साथ साथ में रेगुलरली जैसे हम 3D वैस्कुलोग्राफी का कैंप रखते हैं हमने इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन भी रखा है जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 4,500 रुपीज पड़ता है। ये 3D वैस्कुलोग्राफी में एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट में ब्लॉकेजेस अगर डेवलप होना स्टार्ट हो भी गया है और वो एंजियोग्राफी में पकड़ में भी ना आए, एक 10% 20% भी अगर उसको ब्लॉकेज डेवलप हो गया तो उनका जो ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जहां कहां भी आपका ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गया वहां पे आपका ये एक प्राइमरी लेवल पे हम लोग 3D वैस्कुलोग्राफी द्वारा हम लोग देख सकते हैं और प्रिवेंटिवली अगर हमने कुछ ट्रीटमेंट ऐड कर दिया या स्टार्ट कर दिया तो हमारा फ्यूचर में आने वाला हार्ट अटैक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हम सडन कार्डियक डेथ से भी बच सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि आपने सबने अपना हेल्थ की तरफ ध्यान देते हुए हार्ट की तरफ ध्यान देते हुए प्रिवेंटिव भी अगर अपना हार्ट का स्टेटस जानने के लिए 3D वैस्कुलोग्राफी किया तो वेल एंड गुड रहे। ये थेरेपी कितने मतलब टाइम के लिए लेना पड़ता है और ये मतलब कोई भी पेशेंट ले सकता है जैसे जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई हो या जैसे कि इसमें बाईपास हुआ हो तो ईसीपी थेरेपी ले सकते हैं? कई बार हम ऐसे सुनते हैं पेशेंट के कि हमारी एंजियोप्लास्टी हुई है बाईपास हुआ है तो हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? हाँ देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ईसीपी ट्रीटमेंट ये आइडियली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे भी अब कोई यंग जनरेशन जब हमने बात की, अगर कोई यंग जनरेशन है जो 30-35-40 की एज में अगर इसको हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस के कारण उसको एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं तो उसका फ्यूचर का थोड़ा सा लाइफ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो हम नेचुरली अगर इसको ईसीपी से ट्रीट करते हैं तो हमको थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है कि हाँ चलो हम अगले 5-7 साल बिना ऑपरेशन के या बिना इससे हम लोग ढकेल सकते अगला प्रोसीजर। तो आइडियली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही हम बोलेंगे, बट जैसे आप पूछ रहे कि किसी का अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास भी हो चुका है तो एंजियोप्लास्टी भी है 3-5 साल में बहुत बार स्टेन बंद होने के चांसेस होते हैं 90%। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्टेन बंद हो जाता है उसको रीस्टेनोसिस बोलते हैं, अगर उसको फिर से एंजियोप्लास्टी एडवाइस करते हैं और उसके जगह पे हम लोग ईसीपी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इवन बाईपास ग्राफ्ट भी अगर बंद हो जाता है विद इन 3-5 ईयर्स वो भी बंद होने के चांसेस होते हैं, अगर वो भी बंद हो गया तो हम उनका भी ईसीपी द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो पेशेंट को एडवाइस किए करते हैं एंजियोप्लास्टी बाईपास वो भी पेशेंट ईसीपी कर सकते हैं। जो पेशेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने के बावजूद भी उनके ग्राफ या स्टेन बंद हो जाते हैं ऐसे कंडीशन में भी हम उसको ईसीपी कर सकते हैं। और जो पेशेंट एक्चुअली उनके कोरोनरी आर्टरीज अगर काफी हद तक खराब हो गए हैं और उनको प्लास्टी बाईपास पॉसिबल ही नहीं है उनका भी हम लोग ईसीपी द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम पैलिएटिव प्रोसीजर बोल सकते हैं, पैलिएटिव केयर से हम उसको ईसीपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये थेरेपी कितने दिनों तक लेनी चाहिए, मतलब कितने दिन लगते हैं? हाँ, एज अ
ट्रीटमेंट हम लोग तो आपके ब्लॉकेजेस कितना परसेंट है, आपका एलवी डिसफंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से 35 ईसीपी सेशंस आइडियली एक सफिशिएंट ट्रीटमेंट होता है एक 90% पेशेंट्स में। एक 10% पेशेंट्स में थोड़ा ट्रीटमेंट बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, बट डेफिनेटली उनमें अगर कुछ ट्रीटमेंट बढ़ाने की जरूरत भी पड़ती है तो 100% सभी पेशेंट में रिलीफ मिल ही जाता है। एक 10 से 15 सेशन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत पड़ सकती है कोई कोई पेशेंट में अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉकेजेस। और साथ साथ में हम इनको कुछ आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी भी देते हैं, तो कुछ ब्लॉकेजेस कुछ हद तक हम कम भी करवा सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है हमारे। बिल्कुल, इसके साथ कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी ही एक प्रोसीजर है जिस जो इंजेक्टेबल हम देते हैं आईवी थ्रू, स्लोली स्लोली देते हैं, जिसमें हम हैवी मेटल डिसॉल्व करते हैं और जो भी परसेंटेज ऑफ कुछ ब्लॉकेजेस है वो उसमें हैवी मेटल्स से हम लोग डिसॉल्व करके कुछ कम परसेंट में कम करा सकते हैं। ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट दुनिया में अवेलेबल नहीं जो हमारे पूरी तरीके से कोरोनरी आर्टरी क्लीन कर दे, क्लियर कर दे। तो जो भी हम कोई बोलते हैं हम छिंदवाड़ा में जाके आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेंगे या कुछ और कुछ लेजर ट्रीटमेंट से वगैरह, तो अभी फिलहाल तो भी ऐसा कुछ भी नहीं जो अपने को ब्लॉकेजेस निकाल सके। तो ऐसा मिसकंसेप्शन में कभी भी नहीं रहना चाहिए। जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है यूएस एफडीए अप्रूव्ड है या कोई अथॉरिटी से उसको अप्रूवल मिला है या सीएसएस से अप्रूवल मिला है, तो ऐसे ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास हो गया, इवन एसीपी हो गया, ये सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स है, डेफिनेटली उस पर ही जाना चाहिए जो प्रूवन है। बिल्कुल, कई मरीज ऐसे होते हैं उन्हें अन्य बीमारियां होती है जैसे किडनी से लेकर हो या लीवर की बीमारियां, तो ऐसे मरीज भी ये थेरेपी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे पास तो अभी जो भी पेशेंट्स आते हैं काफी हद तक जैसे हम पहले भी बताया प्लास्टी स्टेंट बंद हुए वाले पेशेंट भी हमको रिजल्ट देते हैं, बाईपास ग्राफ्ट बंद हुए वाले पेशेंट भी हमको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इसके साथ में जैसे बोल रहे कि आप बाकी ऑर्गन्स में कुछ इशू है क्या, डेफिनेटली हम जब पैरों में जब कव्स बांधते हैं और प्रेशर टूवर्ड्स हार्ट जब पुश करते हैं तो बीच में जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको भी प्रेशर से फिल्टर किया जाता है। तो हमारे काफी पेशेंट्स हैं जिनके क्रिएटिनिन 2.5 तक जाता रहता है प्रीवियस ट्रीटमेंट, उनका हमने नॉर्मल रेंज में ला के दिया 1.3-1.5 तक मैक्सिमम उनका क्रिएटिनिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो लीवर का भी वैसे कंजेशन के कारण लीवर डिसफंक्शन हो जाता है, वो भी जब प्रेशर से ब्लड टूवर्ड्स हार्ट जाता है या ऊपर साइड में जाता है तो लीवर पे भी वो सर्कुलेशन बढ़ता है तो उनका कंजेशन भी कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ कम हो जाती है, लीवर कंजेशन कम होता है उसके कारण आपका बिलिरुबिन लेवल कम हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। तो ये सिम्टोमेटिकली भी जो पेशेंट्स बोलते हैं वो भी एक विद इन 10-15 डेज ही हमको वो दिखना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पेशेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, वर्ल्ड हार्ट डे तो आज मना ही रहे हम लोग, तो हम तो वही बोलेंगे कि जो भी हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है आज की तारीख में वो अपने रहन सहन के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, खान पान में जो भी चीजें आज हमने ऐड किया है ये सब उसके कारण। तो मैं वर्ल्ड हार्ट डे के दिन आपको डेफिनेटली आज बोलना चाहूँगा कि हम हमारे लाइफस्टाइल पे ध्यान देना चाहिए, हमारे फिजिक पे ध्यान देना चाहिए, हमारे फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, खाने पीने में जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए, जो नेचुरल और जो अच्छी चीज़ें हैं हेल्दी चीज़ें वो खाना चाहिए, स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स है जो उसके कारण एड्रेनलिन सिक्रेशंस होते हैं और हार्ट पे बर्डन आ जाता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो जो भी है हम अगर सिंपल सीधी अगर जिंदगी अगर बिताते हैं तो ये हार्ट के प्रॉब्लम हमसे काफ़ी दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम सबको पता है कि 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है क्योंकि हृदय से संबंधित रोगों में जन जागृति लाने के लिए ये जो है पूरे विश्व में ये दिन जो है मनाया जाता है, और किस तरह से हृदय रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए ये अभी हमें देवारे सर ने बताया, और ईसीपी थेरेपी इसमें किस तरह से कारगर है ये भी उन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।